हेलो बच्चों बच्चों जी, नेशनल इनकम का पार्ट फाइव है आज, ठीक है जी। नेशनल इनकम के पार्ट फाइव में मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने रीडिंग करनी सिखाई, ये याद कराया कि डोमेस्टिक इनकम को कैसे न्यूमेरिकली लिखते हैं, नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं। आज मैं आपको कन्वर्जन का एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगा हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान देना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कन्वर्जन के न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट, अब बातें सारी समझते हो, कैलकुलेट GDPMP, मैंने बोल दिया, ध्यान देना बेटा, क्या बोला, कैलकुलेट GDPMP, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हो, आपको लिखनी भी आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जी का मतलब ग्रॉस, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मार्केट प्राइस ये आपको निकालना है। आप देख पा रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको, GDPMP निकालने के लिए कह रहा है। आपके पास क्या क्या आइटम्स गिवन है बेटा, आपके पास NNPFC गिवन है, ध्यान देना, NNPFC उसने दे दिया आपको 1000 करोड़, कितना दे दिया, 1000 करोड़ बेटा। NNPFC को रीड कर सकते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन है कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है ना, डेप्रिसिएशन अगले ने आपको 100 करोड़ दे दिया, ठीक है जी। फिर उसने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे दिया, ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे दिया, वो भी कितना है बेटा, 100 करोड़। क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कर लेना, जब कंप्लीट करूंगा लिखने का समय दूंगा, ध्यान देना। आपके पास NNPFC है, डेप्रिसिएशन है, NIT है, और इसने आपको बेसिक न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA भी गिवन है आपके पास, जिसको आप प्यार से नफिया आंटी के नाम से बोलते हो, NFIA, ये भी इसने बेटा दिया आपको 100 करोड़ दे दिया। आपको सब कुछ आता है, यू नो हाउ टू कन्वर्ट, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, आपने निकालना क्या, अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं, मुझे निकालना है ग्रॉस, क्या निकालना है बेटा, रीडिंग सिखाई थी ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है, क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है। और मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मेरे पास है। मैंने जब भी कहा था, जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं बेटा जी। मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर, यहां फॉर्मूले लिखूंगा और इसका आंसर आपको यहां पे दूंगा। आंसर ना समझ आए ऐसा हो नहीं सकता, एज पर 6 फॉर्म जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, 6 फॉर्मूले लिखवाए थे, जी और एन, गैप, डेप्रिसिएशन, याद है बड़ा है, बड़े वाले में प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, पहला फॉर्मूला याद है, एन छोटा है माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, गैप NIT है, MP बड़ा है, बड़े वाले में प्लस NIT करेंगे, ध्यान देना, और FC छोटा है, MP माइनस NIT करेंगे, ध्यान देना जी बेटा। फिर आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक आता है नेशनल प्रोडक्ट, बड़ा कौन है, NP बड़ा है, आंटी गैप है, NFIA, पांचवा फॉर्मूला सिखाया था, NP बड़ा है, बड़े वाले में क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं, क्या करते हैं बेटा जी, प्लस NFIA करते हैं, DP छोटा है, NP में से माइनस NFIA कर देंगे, क्लियर है, बड़े वाले में प्लस होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े वाले में प्लस छोटे में माइनस, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है। आप देखना इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं अपने न्यूमेरिकल को कितने इजीली सॉल्व करूंगा। निकालना क्या है बेटा, GDPMP निकालना है, मैंने यहां लिख दिया साफ साफ, GDPMP निकालना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखो। गिवन क्या है, NNPFC गिवन है,
याद रखना, फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है, ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए। आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, इसका सॉल्यूशन करते वक्त बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चे को। पहला स्टेप, स्टेप वन, देखो बेटा दोनों साइडें अन लाइक कॉमन ना हो, यहाँ जी है तो यहाँ एन होना चाहिए, यहाँ डी पी है तो यहाँ पे एन पी होना चाहिए, यहाँ पे एम पी है तो एफ सी होना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आपने देखना है कि दोनों साइडें अपोजिट हो, यहाँ पे ग्रॉस है तो यहाँ नेट हो, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो यहाँ नेशनल प्रोडक्ट हो, यहाँ मार्केट प्राइस है तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट हो। मेरे कहने का मतलब, यहाँ अगर यहाँ पर ग्रॉस है तो यहाँ पर ग्रॉस होगा तो कन्वर्ट किसको करूंगा, दोनों अपोजिट है कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपने किसको देखना है, आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, मैं ऐसे बोलते हैं LHS को देखना है। किसको देखना है सर, LHS को देखना है। आपने ग्रॉस बनाना है, पहली चीज ग्रॉस बनाना है, मैंने एक अंडरलाइन करा, फिर मुझे DP बनाना है डोमेस्टिक, दूसरी अंडरलाइन डाली, तीसरी चीज आपने MP बनाना है। आपने तीन चीजें कन्वर्ट करनी है, ओके रिपोर्ट है सर, आपको ग्रॉस बनाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट प्राइस बनाना है। बेटा टेक्निकली कोशिश करोगे सॉल्व करने की, दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली आप अपनी ट्रिक को अप्लाई करो, याद करते हैं ग्रॉस क्या है बेटा, ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस क्या होता है जी, बड़ा होता है, बड़े वाले में प्लस क्या होता है, बड़े वाले में प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है, याद रखना ये ट्रिक काम आई आपके। बिल्कुल सर, जी बड़ा है, जी निकालने के लिए प्लस डेप करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके सामने छोटा है, स्मॉल वाले में मेरे को माइनस करना पड़ता है, किसको माइनस करते हैं, आंटी को, माइनस एन एफ आई ए, ये ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। एम पी छोटा है बड़ा है बेटा, एम पी भी बड़ा है, बड़े वाले में प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, गैप क्या होता है, एन आई टी। ये जो मैंने आंसर निकाले बेटा, ये मैंने यहाँ पर अपनी ट्रिक का यूज किया, उस ट्रिक ने मेरा आंसर दो मिनट में मेरे सामने है, ध्यान देना। मेरे को बेसिकली क्या करना है, जी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन करना है, ओके रिपोर्ट है सर। डीपी निकालने के लिए मुझे माइनस एनएफआईए करना है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। और एमपी निकालने के लिए मुझे प्लस एनआईटी करना है बेटा जी, ओके रिपोर्ट है। थोड़ी सी बात तो दिमाग में गई, आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखा, जी बड़ा है प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस नेट का गैप डेप्रीसिएशन होता है ना सर, डीपी छोटा है, डीपी एनपी का गैप एन एफ आई है तो छोटे वाले में माइनस एन एफ आई है, एम पी एफ सी का गैप एन आई टी होता है, एमपी वाले में प्लस एन आई टी। कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना, आंसर कदमों में है। एन एन पी एफ सी 1000 गिवन था, डेप्रिसिएशन 100 गिवन है, एन एफ आई ए 100 गिवन है, एन आई टी 100 गिवन है, आपका आंसर 1100 करोड़ आपके कदमों में है। बेसिकली आपने जो ये क्लास अटेंड करी थी ना, फॉर्मूले और जो ट्रिक थी बड़े छोटे की, वो आपकी हेल्प करती है। जी बड़ा है प्लस डेप्रिसिएशन, डीपी छोटा है माइनस एनएफआई, एमपी बड़ा है प्लस एनआईटी। बेटा आराम से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत आना ही परेशानी हो तो कभी एनी टाइम व्हाट्सएप करो, कॉल करो, डाउट क्लियर करो, पर ध्यान देना। नोट डाउन कर लिया बेटा जी, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फटाफट फास्ट फास्ट जल्दी करो। हाँ जी बेटा, अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, कन्वर्जन का बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन करोगे वो भी बहुत इजी लगने वाला है, बस छोटी सी बात अपने दिमाग में फीड कर लो मेरे बच्चों, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। जी बड़ा है प्लस, एन छोटा है माइनस, जी के लिए प्लस क्या करते हैं वो याद होना चाहिए डेप्रिसिएशन, एन के लिए क्या माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन याद रखना, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, एमपी निकालने के लिए प्लस एनआईटी करते हैं, एफसी निकालने के लिए माइनस एनआईटी करते हैं, दिमाग में डेटा फीड करना है आपने। उसके बाद बात आती है डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है माइनस एनएफआईए करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है बड़े वाले में प्लस एनएफआईए करते हैं। पिछली क्लास क्लियर होगी तभी ये क्लास बच्चे को पसंद आती है, अदरवाइज दिक्कत रहती है उसको। अगला क्वेश्चन दिया मैंने, बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। बेटा ये तो तभी सॉल्व कर पाएगा तू जब आपने पूरा का पूरा पुराना लेक्चर अटेंड किया होगा, समझा होगा, लिख लिख के याद किया होगा, तब तो अच्छा लगेगा। बेटा नेशनल इनकम में क्या सिखाया था, नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, होती किस पर है, नेट पर, किस पर होती है, फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब आपको ये निकालने के लिए कह रहा है, आपने ये खुद इंटरप्रेट करना होगा। नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कह रहे हैं, खुद दिमाग लगाना है। आपके पास क्वेश्चन में है क्या, गिवन क्या है, जी डी पी एम पी गिवन था 1000 करोड़, कोई दिक्कत नहीं सर,
आपको मैंने इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, क्या दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, कितना दे दिया 100 करोड़, कितना दे दिया 100 करोड़। मैंने आपको सब्सिडीज दे दी, कितनी दे दी बेटा सब्सिडीज, मैंने आपको दे दी 50 करोड़, ठीक है बेटा जी, ध्यान देना। फिर मैंने आपको दी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, भूल तो नहीं गए, बिल्कुल याद है सर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब आपने बताया था कि वो डेप्रिसिएशन ही होता है, बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है बच्चा अगर भूल गया, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। आपके पास फिर दे दिया मैंने आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़, ठीक है बेटा जी। फिर मैंने आपको दे दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मैंने आपको दे दिया बेटा 150 करोड़। मैंने कहा निकालो आंसर, बेटा आंसर तो निकाल लोगे, पहले वाले से एक लेवल मैंने अपग्रेड करा, अगला क्वेश्चन करूंगा एक और लेवल अपग्रेड करूंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली लेक्चर अटेंड करो, अपना पुराना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और इन दोनों क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने की कोशिश करूंगा, पहले छोटे फॉर्मूले से बेसिक निकाल लो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया माइनस गवर्नमेंट ने हमें कितनी सब्सिडीज दी। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा आपका 100 है, सब्सिडी 50 है, 50 करोड़ आंसर आ गया, ठीक है बेटा, एनआईटी निकाल लिया आपने। फिर अगर आपको निकालना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद आ रहा आंटी, बिल्कुल याद है सर, आंटी NFIA हो गई, आंटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कितना कमाया फ्रॉम माइनस टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने कितना कमाया माइनस अंग्रेज कितना कमा कर ले गए, ध्यान देना, फ्रॉम माइनस टू हमने कितने नोट कमाए माइनस अंग्रेज कितने कमा कर ले गए, ध्यान देना, 100 माइनस 150 कितना आंसर आया -50, मतलब कि हमने 100 कमाए अगले 150 कमा कर ले गए, हम माइनस में हैं। मैंने कहा था NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, -50 करोड़ डेप्रिसिएशन आपके सामने है मेरे बच्चों, ध्यान देना, डेप्रिसिएशन 100 करोड़, अदर नेम उसका क्या दे रखा था आपको, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, गैप तो दिख रहे हैं सर, सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट है बेटा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपने अपनी LHS को देखना होता है, निकालना क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपने फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। आपके पास गिवन क्या है, GDP MP गिवन है मेरे बच्चों, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे, किसको देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को, स्टेप नंबर एक देख लो, अगर यहाँ एन है तो यहाँ जी होना चाहिए, यहाँ पे अगर एनपी है तो यहाँ पे डीपी होना चाहिए, यहाँ पे अगर एफसी है तो एमपी, बस भूल जाओगी, आपने इसको देखना है, हमने आंसर निकालने के लिए अपनी LHS को देखना होता है, जो गिवन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर वही अपनी ट्रिक लगाऊंगा बड़े छोटे की, सर ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट स्मॉल है, क्या है बेटा स्मॉल, तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है बेटा जी। एनपी क्या है, बिग है स्मॉल है, सर बिग है, तो आंटी को प्लस कर दो, प्लस NFIA, FC बड़ा है छोटा है, सर स्मॉल है, FC के लिए माइनस NIT कर दो, बन गया फॉर्मूला, कन्वर्जन करना आ गया, बिल्कुल ओके रिपोर्ट, कन्वर्जन करना आ गया, अगर ये समझ जाओगे तो दिल खुश हो गया बेटा जी, ध्यान देना। GDP MP से NNPFC कैसे निकालोगे, यहां से देख लो आंसर, माइनस डेप्रिसिएशन, शब्दों पर ध्यान देना, माइनस डेप्रिसिएशन, ओके रिपोर्ट है सर, प्लस आंटी, प्लस NFIA वाली आंटी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है बेटा, सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। GDP MP 1000 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, 1000 लिख दिया, डेप्रिसिएशन दिख रहा है 100 करोड़ माइनस कर दिया, NFIA भी मेहनत से निकाला था ना, प्लस ब्रैकेट में कितना लिख दोगे माइनस, ठीक है, NIT दिख रहा है बेटा जी, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको 50, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो
थोड़ी सी मैथ तो जानते हो, 1000 माइनस 100 तो माइनस 100, प्लस माइनस 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 50, तो आपका आंसर कितना है मेरे बच्चों, 800 करोड़ आंसर आ गया। कोई डाउट है बच्चों जी? कोई डाउट नहीं है, आप पहले ही सिखा चुके थे, एनआईटी का फॉर्मूला सिखा चुके थे, एनएफआई का आंटी का फॉर्मूला सिखा चुके थे, फ्रॉम माइनस टू डेप्रिसिएशन का नाम भी बता चुके थे। जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है सिर्फ इसको देखना है, ज़्यादा पंगों में फंसोगे, दिक्कत रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसको देखते ही आंसर हो जाता है, नेट छोटा है, माइनस तो होना ही होना है। क्या होना है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट और ग्रॉस का गैप डेप्रिसिएशन होता है। एनपी बड़ा है, प्लस तो होना ही होना है। एनपी डीपी का गैप एनएफआई आंटी होती है, एफसीएमपी का गैप एनआईटी होता है, छोटा है तो माइनस, ओके रिपोर्ट है। अगर इस ट्रिक से चलोगे कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, टॉपिक नए हैं, दो क्वेश्चन लिखवाए हैं, ईजिली रिकॉर्ड करो, समझो, डाउट आता है अच्छी बात है, डाउट क्लियर करो, बहुत बहुत आसान है बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, इतना मैंने आपको करा दिया है। अगली नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, थोड़े हाई एंड लेवल के कन्वर्जन के न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये इजी थे? इजी नहीं थे सर, बहुत बहुत इजी थे मेरे बच्चों। ठीक है बच्चा जी, मिलते हैं बेटा, अगली क्लास में मिलता हूँ। ठीक है बेटा, रिकॉर्ड करो, आराम से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट डाउन करो सर। ठीक है जी, ओके बेटा जी।